राम राम जी सारे व्यूअर्स ने, मिस्टी सानू व्लॉग्स चैनल पे आपका स्वागत है। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ने प्रेस कर दो। पानी आ रहा है जी, तो पानी दे हूँ अपने पौधा ने। सुबह की शुरुआत नए काम तो कर दू हूँ, लेकिन पानी बाघन हो रहा है। फटाफट मने कंप्लीट कर दू गमला न। यार देखो जिमनी प्लांट कितनी प्यारी कितनी बड़ी हो रही है। तुलसी माता है, तुलसी माता ने भी दे दूं। पानी भाग गया है जीव, तो मैं पाइप ने इकट्ठी कर दूं, लंबी कर दूं इसने मतलब। गुड मॉर्निंग जी, मिस्टी सानू व्लॉग्स चैनल पर आपका स्वागत है। बने रही हो हमारे साथ, फुल वीडियो ने एंजॉय करियो। या घी ओवल ने रख दी है, आलू मैंने दो छील कर डाल दिए हैं, दो आलुआ के पराठे बन जाओगे। मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब सुमित आ गए हैं दूध लेकर, कैमरा मैन हाज मिस्टी, ये सानू है छोटी गुड़िया, और जिसके पास कैमरा हो वो मिस्टी है, और मेरा बेटा जो छोटा है वो अभी सो रहा है। ये मेरे हस्बैंड जी हैं सुमित टोचक, और मैं हूँ जी सोनिया। दूध गर्म करना रख दिया है, गैस पर रख दी है घिया उबलनी। और सुमित ये बोल रहे थे कि मेरे को कैप्चर मत कर, कि अपनी मम्मा को ही कर ले। ये सानू बना रही है गाउन मिस्टी के फ्रॉक का, इसने लंबे लंबे से गाउन पसंद है इसलिए मिस्टी का फ्रॉक पहन लिया। अब मैं झाड़ू लगा दूँ, थोड़ा सा स्पीड कर रखी है वीडियो की, क्योंकि मिस्टी ने बहुत ज़्यादा कैमरा हिला रखा है, तो स्वाद वाली बात नहीं थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड कर दी यहाँ तक। फटाफट जो ये वाली वीडियो है फिर निपट जाओ। लाग रही हूँ झाड़ू का मैं, यह सानू घोड़े पे झूल रही है सानू बंदर। ये सुमित डोचक पोछे में पानी, पोछे के जो मोफ है ना इसमें पानी भर देवांगे, फिर मैं पोछा लगा दूंगी। जी शुरू कर दिया है मैंने पोछा लगाना। थोड़ा सा टाइम लगा है, पोछा भी धोना पड़ा है, यूं मतलब गीला करना पड़ा है, फिर सुखाना पड़ा है। कैमरा एंगल इधर सेट कर दिया है, और मेरा पानी मैं साथ के साथ पी रही हूँ गरम। ये कुछ वार्तालाप हो रही है लाइट को लेकर, कि लाइट भागने में कितना टाइम रह रहा है। बच्चा के बनाऊंगी आज आलू के पराठे, बच्चा की फरमाइश पर। और मेरा बनेगा घिया का रायता, मेरा और सुमित का। सुमित तो यूँ है भाई, जी करेगा तो पराठे खा लेंगे, जी करेगा तो रोटी रायते के साथ, उनकी अपनी चॉइस है। देखेंगे क्या रहता है क्या बनेगा। सारे सामान ठाठ होकर लगा दूँ पोछा, कितने कितने धूल बढ़ जावा है नुए नीचे जागे नीचे। एक बार फिर मैं यहाँ पर दोबारा लगाऊ हूँ, एक बार दो पाछे दोबारा फिर लगाया करूँ, जहाँ का लगा दिया फिर उस तो नीट एंड क्लीन हो जावे। दिन आज बृहस्पतिवार का है, कल बच्चा की छुट्टी थी, उसका अलग तो व्लॉग बना रखा है। सानू ने इतनी सारी पोइम सुना रखी है कल वाले व्लॉग में, आखर मज़ेदार है। जो मतलब पहले की उसकी नानी ने सुना रखी है ना, नानी माँ की कहानियाँ होती हैं, यूँ लगा लो बस यूँ है, पहले की जो छोटी छोटी सी बच्चा वाली हुए हैं, इतनी प्यारी लग गए हैं सानू के मुँह तक सुनते आना। एक बार उस पर ज़रूर विजिट करियो, जो वेडनेसडे का व्लॉग है।
ना जी, यहाँ मेरी थर्ड ड्रिंक चल रही है, पानी के बिना तो काम चल रहा ही नहीं ना। लेकिन सिंपल पानी नहीं है, इसमें कॉफ़ी भी है थोड़ी सी। ताकि शरीर कुछ वो नहीं मतलब पकड़े, थोड़ा सा कैफीन मेरा शरीर ज़्यादा मांगा है, बीपी लो रहा है मेरा, तो मैं नॉर्मल पानी में भी कॉफ़ी डाल कर पिया करूँ हूँ या फिर नमक डाल कर पिया करूँ। ये जी हस्बैंड जी लस्सी लेने चले जाओ, इतने मैं रसोई का देख लूँ कितना हो गया और कितना बच रहा है। अच्छा मेरा कंप्लीट हो गया है, अब अपना खान पीन का संभालूंगी। लाइट भाग गई है, सिटी थोड़ी सी लकड़नी रह रही है। इतना ये दो अमरूद धो लूँ मैं, लेकिन बाद में सानू फरमाइश करा है कि मम्मा मेरा तो एक अमरूद तो कटा हुआ दे दियो और एक साबता दे दियो, या सानू की वाटर बोतल भर दी जो बड़े वाली वाटर बोतल है उसका उसने ढक्कन गुम कर दिया है, या मिस्टी की है मिस्टी की वाटर बोतल भर दूँ, लस्सी की बोतल रेडी कर दूँ। नाने मौके देख लूँ काम कर दी हमने रेडी। और ये देख पर खोल कर पग्गी नहीं पग्गी गया, पक रही है जमा दिख रहे हैं लगता। सबसे पहले मैं आलू निकाल दूँ ताकि जल्दी ये ठंडे हो जाएंगे, बच्चा के पराठा के टाइम पे ही सही पक गए। ये भी आज उग गया है, या निकाल लूँ। इसके अंदर जो पानी है मैं तो उसने भी नहीं मतलब वेस्ट जान दूँ, वो भी पी लूँगी थोड़ा सा पानी ऐड करके। मैंने तो चाहिए कुछ ना कुछ गर्म, मैं तो खुश होगा पिया करूँ। मैंने पानी ठंडे तो गर्म ज़्यादा पसंद है, पीन में गर्म ज़्यादा स्वाद लगा है, आदत हो रही है पीन की। क्यों निकाल लिया, ये भी इसने भी काम करते करते मैं निपटा दूँगी, थोड़ा सा पानी और ऐड करके चून निकाल लूँ। चून बैठता ही टंकी रत गई है चून की, चून पिसना पड़ेगा। और किप चला लूँ मैं जी भजन, कन्हैया मित्तल जी के भजन शुरुआत करेंगे। बालाजी अच्छा लागा से उस भजन ते यो जी चला दिया है, देख सको आप। ये जूम जूम का काम करती रहूंगी मैं रसोई का। नमक ऐड कर लूँ थोड़ा सा चून में, और इब क्या निकाल दूँ हूँ निके निकाला है। ये चून बेन की तैयारी कर दिया शुरू, या आलू भी थोड़े थोड़े से फोड़ दूँ ताकि जल्दी ठंडे हो जाओगे, हाथ ही चढ़ाएगा फिर एकदम पे। तो साथ के साथ भजन गुनगुना रही हूँ और साथ के साथ काम कर रही हूँ। अत्यधिक गर्मी है, काल भी थी आज भी है गर्मी में, थोड़ी सी अपनी रक्षा करा करो गर्मी से। जो गृहिणी है उन्हें तो काम करना ही पड़ा है, रसोई काम। खाना बनाते वक्त तो सब तो ज़्यादा गर्मी लागे, लेकिन मन थोड़ी सी ज़्यादा लागे क्योंकि मैं गर्म पानी ज़्यादा पीऊँ हूँ तो मन थोड़ी सी ज़्यादा लागे है। या मेरी सानू बंदर आ रही है, ये डांस करन लाग रही है, आपने दिख नहीं रही, इब दिखाऊंगी मैं ये। या देखो जी ना कर रेडियो का आ गई है, बाल नहीं बुआए हैं इसने, इब कितना प्यारा बच्चा लग गया है, आपने फ्लाइंग किसी देवा हूँ उछड़ कर। ये सानू है, जो सानू के फैन है वह चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने सानू ज़्यादा प्यारे लगा है सानू ले ले वह है कि मम्मा मैंने हाथ में लेना फ़ोन, माँ चल बेटा ले ले माँ, लेकिन बंद मत करिए थोड़ा सा आलुआ मैं भी ऐड कर दूँ हूँ।
इन्हें भी थोड़ा सा मिक्स कर दूँ हूँ आपके साथ है। थोड़ा सा तो चून मैं ऐड कर दिया था नमक, ये थोड़ा सा पराठा में बतेरा, अगर पराठा में ज़्यादा नमक हो जाओगा तो टेस्ट लेस पराठे बनेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आटे में और थोड़ा सा आलुआ में। ये फिर तैलो बोल रहा है, ये प्यारा बच्चा आलू खाता खाता इतना मैं काम करूँ हूँ बर्तन बर्तन मांजन का, इतने आधे आलू निपटा दे वह सानू बंदरिया। हैंड वॉश कर लू हूँ और सानू के डैड आए हैं सानू के बाल रेडी करने खातर, मैं लागू हूँ दो एक बर्तन मांज दूँ तो ज़्यादा बड़े बड़े हैं, सिंक में थोड़ा सारा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं, सानू बोल रहे कि आपको कौन सा भगवान जी पसंद है मम्मा, कहा मन पसंद है भगवान हनुमान जी बालाजी, और सानू बोल रही है कभी तो बोल रही कि मुझे तो गणेश भगवान जी पसंद है, कभी बोल रही मुझे तो राधा रानी पसंद है, मुझे तो गणेश भगवान जी पसंद है, कभी बोल रही मुझे तो राधा रानी पसंद है, मुझे तो काना पसंद है ऐसे उसके। फिर सबसे लास्ट में को है कि मम्मा मुझे भी हनुमान जी ही पसंद है, कभी ये बोल रही कि मुझे शेरों वाली माता पसंद है। बस सारे नहीं मांजे हमने बर्तन, दो एक मांजे हैं जो बड़े बड़े से थे। अब टाइम हो गया है खाना बनाने का, तो ये जो पानी था जो निकाला था घिया का, यो भी पीना शुरू कर दिया हमने। घी निकाल लिया है और ये डांस कर रही थी, मैं इसको ऐसे ही करके बता रही हूँ कि मन अच्छा लग गया से, अच्छा लग गया से, जो कन्हैया जी का भजन ख़त्म हुआ है वो वाला स्टेप था यो। रोटी पूर्ण की कर दूँ तैयारी, चुन्नी कर ली है सेट फाइनल, अब ये डांस कर रहे हैं हम उधर मम्मा बेटा आपने भी दिखाऊंगी कि वो प्यारा बच्चा कैसे कर रहा है डांस। भजन गुनगुना रहे हम तेज तेज आवाज में, इतना तोवा गर्म होगा इतना मैं यो मग्गा और फिनिश कर दूंगी, या मेरी पांचवी ड्रिंक हो जाओगी सुबह सुबह की। हेलो गालो, पांच मग्गे पानी पी लिया मैंने, पांच तो आइडिया, ढाई लीटर पानी तो कम से कम हो गया, ज़्यादा बेसिक तो। घी गरम कर लूँ हूँ पराठा खातर थोड़ा सा, और मैं पहली रोटी बेलनी शुरू कर दूँ भगवान जी के नाम की। ये सानू इतनी लग रही है डांस करन मेरे की तरिया भगत हो रही है या भी बालाजी की। कहना राम राम मन अच्छा लगे से, मन अच्छा लगे से, आता अंजनी के लाल तेरी कोई ना बाल बाबा, चूला लाल लाल मन अच्छा लगे से।
अब मैं अपने दिखाऊंगी कैमरा एंगल चेंज करके कि पराठा कैसे बनाया जाता है, जिनको आलू का पराठा नहीं आता है और जिनको कच्चा आता है वो भी सीख लो। या जी बेल ली है जैसे रोटी, फुल बेल लेंगे मतलब जितनी आया करे। दो चम्मच इसमें आलू लगाए, मेरे बच्चा ने जी थोड़े से आलू ज़्यादा पसंद पराठे में, वह कम आलू के पराठे उन्हें नहीं अच्छे लगते, वह फिर सॉफ्ट नहीं बनते। इसने ऊपर तो यूँ बंद कर देंगे इसका मुंह, इसका एक घना सारा लगाऊंगे हम आटा ताकि फटेगा नहीं। यो मेरा स्टाइल है रोटी उठा उठा कर बेलन का, किसी का घुमाने का भी होया करे। वो पहली रोटी बन गई है भगवान जिया की और ये भाजी सेकंड पराठा। फूल बड़ा कर लेंगे इसने धीरे 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 धीरे, जहाँ तक मोटा लग रहा है वहीं तक बेलन चला दो, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। मैंने तो जितने बड़े बड़े पराठे पसंद है बनाने। यहाँ चुपड़ दूँ रोटी और मिष्टी तो बोल दूँ कि दे आओ जो भी मिले, गली में गाय माता मिले चाहे डोगी मिले चाहे कौवे मिले कुछ भी मिले उनको खिलाए। उनको भी खिलाने के बाद हम फिर स्टार्ट करा कर अपनी खानी। हमारी तरफ तो भगवान जी के लिए हो जावे है, फिर किसी भी जानवर के मुंह में पड़ो, सब जगह है भगवान सबके मन में है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर रखा है पराठा डाल के तोए पे, अब सेकंड बना लूँ इतने। अब इसमें आलू भरेंगे और दो चम्मच आलू भरेंगे क्योंकि मेरे बच्चा ने आलू ज़्यादा पसंद है, सॉफ्ट बने अगर आलू के, अगर कम आलू होगा तो बिल्कुल टेस्टलेस बनेंगे मोटे पराठे। मोटे और लंबे पराठे वही टेस्टी लगे अगर है जिनमें ज़्यादा आलू हो। कति सिंपल है, बस नमक डाल रखा है आलू में, पहले पहले मैं कर दिया करती थोड़ी बहुत मेथी मसाला कुछ ऐड, धनिया धनिया प्याज प्यूज, लेकिन मेरे बच्चा ने बिल्कुल नहीं पसंद आते वह वाले पराठे, न बिल्कुल सिंपल आलू। तो फिर मैं भी नुआ करो हूँ सिंपल बनाया करो, कोई हल्दी वगैरह नहीं डाला करती। अगर और कोई सब्जी मैंने अगर डाल रखी है ऐड कर रखी है तो मैं फिर हल्दी डाला करो। एक तरफ तड़का सा फट रहा है थोड़ा सा, ध्यान रखते रखते आलू निकल रहा है, ध्यान में रखते रखते इसने बधाएंगे। फिर भी ज़्यादा नहीं फुटन दूंगी, उतने में बन जाओगा काम कर दिया ठीक ही होगी। जितना फट रहा था फुल लंबा हो गया, फुल बड़ा होगा तू। अब हम इस पर लगाएंगे घी, देखो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा सिक रहा है, तो बिल्कुल छोटा सा चम्मच है, आपने यूँ लगेगा कि दो तीन चम्मच ऐड कर दिए बस। यू इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही आया करे, दो चार बूंद घी, इसकी गहराई कम है चम्मच की। देखो फुला फुला बनेगा, कितना स्वाद, आधे तो ज़्यादा तो मैंने वैसे ही सेक दिया था, बिल्कुल अब कम घी लगेगा इसका और स्वाद भी घना ही होगा। देखो फुला फुला कितना करारा करारा है। अगर आलू ज़्यादा होगा ना तो करारा बनेगा पराठा, उसका फिर स्वाद हुआ है। ये देखो जी फाइनल लुक, पराठा रेडी है प्लेट में आने के लिए।
जिस जिसको खाना है आप अपनी प्लेट करो 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 करो, किसकी प्लेट में रखूं बताओ। मन गया ना जी बिल्कुल कमाल का, अपनी तारीफ मैं हुआ थोड़ी ना करा करो, कुछ बात है इसलिए करा करो। एक बारी है सेकंड की, दोनों गुड़िया के बन जाओगे, पहले पैक करने के बनाए हैं मैंने ताकि ठंडे हो जाओगे अच्छे से टिफिन में रखन ताई, उसके बाद मैं खाने के बनाऊंगी और फिर सुमित की, फिर मेरी, सबसे लास्ट में मेरा नंबर आओगा। लो जी एक तरफ लगा दिया है घी, इब इसमें पलट देवांगे, इब इस तरफ लगा देवांगे घी, यो देखो यो भी फूल गया, कितना औसम लगा है ना फूला होया। ए जी देखो अगर आलू ज़्यादा है तो पराठा जरूर फूलेगा, और कितना ही क्रिस्पी बना लो बाद में नरम हो जाओगा, यह भी बात है, यो भी एक फैक्ट है। मेरे तो बालका की अब फेवरेट डिश है, वीक में एक या दो बार तो हम इसने जरूर बनाया करें। और ये भी खा लो जी, कर लो प्लेट रेडी जिसको खाना है, प्लेट मानती बिल्कुल तैयार है, आप रेडी रहो। लो जी देखो फाइनल लुक पराठे का है ना, कितनी आखर जमा। बाय बाय जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, राम राम जी, टेक केयर जी, खुश रहा करो।